ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी एक से और भी दूसरे बहुत लोग हैं, लेकिन जितना मुझे बोली जाए जितना मैं जानता हूँ उसके बारे में तो थोड़ी बहुत चर्चा मैं करूँगा। तो साथियों मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह ये करूँगा कि यदि अपने ऑफिस का बजट बनाएंगे और पूजा बनाएंगे तो पैसा पूजा मिल सकता है, वो भी लड़ाई करने के बाद। वहाँ भी एक दो बदमाश ऐसे बैठे हैं जो लोगों को भी इधर उधर की बातें करके कि साहब इसकी क्या जरूरत है, अब ये क्यों करना है, ऐसे बदमाश आदमियों के लिए धुप्पा निकाल के आपको मंत्री जी रहना पड़ेगा। यदि आप नहीं रहे तो वो आपको आपकी जल नहीं देंगे, चीफ मिनिस्टर को दूसरे को ऐसा कान भरेंगे कि साहब क्या जरूरत है, लाएंगे। मैं आपको बता दूं मेरे पास गाइडलाइन है, भारत सरकार की गाइडलाइन है, नीति आयोग की गाइडलाइन है कि आपकी आबादी के हिसाब से टोटल बजट प्लान का पैसा आपका रखना पड़ेगा। और उसका कोड नंबर 789 है, वो पैसा वहां से लेके इधर रखना पड़ेगा, उसमें कोई भी आदमी हाथ नहीं लगा सकता ना। ये बजट, ये मेरे पास गाइडलाइन है भारत सरकार की, ना वो ट्रांसफर किया जा सकता जैसे शीला दीक्षित ने खेलों में कर दिया, ना वो लैप्स हो सकता। मेरे पास गाइडलाइन उनकी है, वो सारी की सारी गाइडलाइन उसके पास हम दे देंगे। जो वो बदमाशबाजी करता है वो शर्मा शर्मा है, वहाँ जो सबसे ज्यादा बदमाश है जिसने आज तक 15 साल में वहाँ के दिलावर काम नहीं होने दिया, हमारे लोगों को बजट मिला ही नहीं। तो जितनी भी योजनाएं बनेंगी वो बजट से बनती हैं, यदि बजट आपके पास होगा तो आपकी योजनाएं बनेंगी, नहीं तो वो कहेंगे सब ये तो इसमें तो अपने ये 50 करोड़ रह गए हैं और ये बजट किए तो योजनाएं 300 करोड़ कहाँ से बने। तो इसलिए अभी बजट इस महीने साथ बन रहा होगा, इस महीने बन रहा होगा, योजनाएं बना के उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मांगा जाए। मेरा आग्रह है आपके मंत्री जी, दिक्कत बहुत आई, आसान नहीं है आपको इस साल करना, हो सकता है मेरे साल आप देंगे, लेकिन इसमें क्रेडिट फैक्ट्री बनवाइए, जो हमारे नौजवान लड़के लड़कियां हैं पढ़े लिखे हैं आईटीआई हैं या दूसरे काम में अनुभव रखते हैं, घर में जगह तो रहने को नहीं, सोने को नहीं, कार लगा कर लोग रहते हैं, झुग्गियों में तो लोग रहते हैं, बड़े रहते हैं, पैसा ले लो बिजनेस, पर क्रेडिट तो करेंगे कहाँ, जगह तो हो, पहले जगह दोगे जब तो होगी, ये वही बात है। तो जगह कहीं है नहीं, तो जगह के लिए एक रास्ता है, फ्लैट इन फैक्ट्री बनाइए, फ्लैट इन फैक्ट्री जल्दे वाला में बनी है वे देख लीजिए, ये उसमें मंगोल त्रिमणि वो देख लीजिए, इधर संगम बिहार के पास एक होगी क्या नाम है, कोटला में बनी है, वहाँ वहाँ देख लीजिए। इस तरह की फ्लैट इन फैक्ट्री कम से कम 1,000 नौजवानों के लिए इस साल बजट में डालिए, एक्सेप्ट हो नहीं हो वो देखा जाएगा, पर डालिए ये 1,000 फैक्ट्री हमने देख ली नौजवान लड़के तो उससे कोशिश चालू हो जाएगी। कितने सेंसर लोग आएंगे कितने भी वो तो सुने, क्योंकि वहाँ मंत्री को एक है, 6 तो मंत्री भी है, फिर वहाँ दूसरा सबके सब लोग बैठे हैं, जनरल कास्ट के प्लानिंग में बजट में सभी लोग बैठे हैं, वे सब लोग जलने देते आज हमारा समाज यहाँ तक खुले हो तो आगे तक खुले। लेकिन एक बात की खुशी है, हमारे मिनिस्टर आए और गए, ना तो किसी ने ऐसा प्रयास किया जैसा आज हुआ है, ना कभी किसी ने ये जानने को इस समाज की समस्या क्या है, जो अक्सर महंगा थे अपना बैठे गए चले गए, सारे अभी तक ऐसे। और यदि बुरा ना मनाए, बुरा नहीं मानना मैं किसी उसके लिए नहीं कह रहा, इस देश में यदि जागृति है तो जमान में है, जाटों में है, आज ये कुछ ला के देगा। अभी तक जो मंत्री बने उनकी सोच दिमाग उससे के धैर्य, मैं माफी चाहूंगा उस समाज के भी कोई लोग हो तो उनसे हाथ जोड़ के माफ चाहूंगा, मैं उनके मन को दुखाने को या कोई इस तरह की बात नहीं कह रहा, मैं एक बता रहा हूँ कि यदि कुछ मानता है तो जमान में है, कोर्ट कानून में अभी नहीं बढ़ा, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ बैठेंगे जैसे आज बैठे,
तो उनमें भी पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, पर पढ़ने का दिल को और उनमें पड़ेगा। पहले तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि भाई बाबा साहब की फोटो उनके घरों में पहुँच जाएगी, जिसके घर में पहुँच जाएगी तो बन जाएगा, जिसके घर में नहीं पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, नहीं हो सकता हो सकता। ये मेरी सोच कितनी सच भी कह रही है कितनी झूठी है ये तो मुझे नहीं, पर मेरा अनुभव है। मैं 70 साल आप क्रॉस कर रहा हूँ तो मैं आपको अपने अनुभव बता रहा हूँ। जिस घर में बाबा साहब पहुँच गए उस घर में हर खुशहाली पहुँची है। तो मैं इनमें से कुछ अब एक एक लाइन की बात करूँगा। बादल मूर्त वाली एक तो मेरा तो देखे हमारा नीति आयोग जो आजकल है, पहले 50-60-70-100 आदमियों की पूरे दिन वहाँ चर्चा चली, हमने वहाँ फंड करवाए, ये सारी चर्चें लगी, सब बातें हुई, हम लोग वहाँ जाते रहे हैं और हमारी बातें मांगे रखते रहे हैं। वो लोग कहाँ सुनते थे जब हम फाइलों का मंडल लेकर जाते थे, फाइल को देखते थे ये क्या है, मंडल सेवल के क्या है, मेंबर थे हमारे क्या है कि साहब ये सारी समस्या तो इन्हीं के पास है, यही सारी ले रहे हैं, जितना इनको जाने सारी आपके सामने हमने एक एक उठाई। तो पूछते ये नहीं है, हमने क्या था, हमने कहा था जो मेन झगड़ा चला था वो हमारे गांव में देहातों में कहीं किसकी बात जमीन थी, जमीन नहीं आने की वजह से जुलम जाती होती है, हम लोग बाहर टट्टी में जाप गाँव जाते हैं, वे लाठी ले गए खड़े हो जाते हैं नहीं जाने देंगे। तो बात ये थी तो हमने मोटे से अलग को अलग कहा, मैं कहा ये आप 60 साल हो गए, आपने 60 साल में हमारे लिए किया क्या, हम कहीं हम टॉयलेट नहीं जा सकते, हम कहीं गांव से बाहर निकल पेशाब करने नहीं जा सकते, हम क्या घर में हमारे रहने को जगह नहीं है, एक एक कमरा है 25-50 की जगह है गाँव में, तो उसमें काम क्या है, आपने क्या किया बताइए। प्लानिंग कमीशन लिए बैठे जल्दी से प्लानिंग करते क्या किया आपने, कभी सोचा इस बारे में। आज सहारनपुर उसमें है, मुजफ्फरनगर में उस समय जाट लोगों ने हमारे लोगों को घर से बाहर निकलना बंद कर रखा था, जब बंद चल रहा था अखबार में गई अखबार में ये कल देखिए इसमें क्या, तो ये सब बातें हुई थी। तो प्लानिंग में कुछ कुछ बाहर की बात हुई लेकिन हुआ कुछ खास रख तो दिया, कानून में तो रख दिया पर मिलता नहीं। जैसे अब हमारी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दिल्ली में 17% है, ये वो है जो इसमें रिपोर्ट देते हैं, 17% दूसरे हैं जो ये दिखते नहीं है, जो लोग बाहर से आए हैं उनको सरकार नहीं गिनते, जो लोग आंध्र से दूसरे केरला से और दूसरे हरियाणा से बाहर से जो लोग आए हैं जो नहीं है वो जो बाहर जाए उन्हें तो गिनते हैं, वोट हो चुके जिसमें खाना पीना चलता रहता, बर्गर लो लो चाहे को मिलती है ठंडा लो इस तरह की लगती है, वे जगह जब पहले लगती थी अब नहीं लग रही। 1000 नौजवानों को लड़की हो या लड़का जो भी ले चलाना चाहे 1000 वैन कम से कम इस 7 दिन लेके सब उन एरियों में लगाई जाए जहाँ जहाँ बिजनेस के अच्छे साइड पड़ते हैं। तो 1000 दूसरा मेरा एक पैसा मुझे कहा ये प्रपोजल दोबारा कभी पढ़ा करके रखना पड़ेगा उनको, बैठो पढ़ाओ इसको प्रपोजल भेजो, वो रिजेक्ट होगा तो होने दो हम साल के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन यदि लड़ाई होगी तो 10 प्रपोजल देंगे तो उनमें 2-4 6 तो एक्सेप्ट हो ही जाएंगे, आपका बना करके आप लीजिए। एक मैंने दूसरा ये दिया है कि 500 कैंटर में कमाने पढ़ाई कर दी आपने चलती फिरती मंदिर से ला दी थी, उन्होंने कहा हाँ वो लाइब्रेरी टाइप की आपने देखी चलती फिरती मोबाइल लाइब्रेरी देखी होगी, तो जो लाइब्रेरी में किताबें रखी है ऐसी ही हमारी वैन बंद करके दी गई, उसमें खाने पीने का सामान और रेडीमेड गारमेंट्स और दूसरे सामान, और वे चलती चलती एक गाड़ी जैसे एक भी आ गया हो तो यहाँ एक
यूरो वाले यहाँ से लो, एक ले जाकर पसंद ले लो, इतने से वहाँ से ले लो, चार चार घंटे तीन जगह लग जाए, बारह घंटे लग जाए, उसका टाइम फिक्स हो गए, चार से आठ से बारह यहाँ लगेगी, बारह से चार यहाँ लगेगी, चार बजे अपनी रात काटने यहाँ लगेगी, वो आराम से उतना पैसा कमा सकती है।